मुझे एक यहाँ के ऑफिस की तरफ से बुलाया है जिसमें यहाँ के बारे में सारी जानकारी है, तो वो और चलिए मिलते हैं आपको बाद में, तो इसमें जो भी जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और मिलते हैं फिर आगे। एक मैनुअली तितली और ये है तितली पार्क। चलते हैं कुछ है यहाँ पे, चलो अंदर चले। पता नहीं ये सोवेनियर शॉप है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे सांप वगैरह है। चलो कोई नहीं, चलते हैं यहाँ पे आगे। वहाँ पे जा रहा है सोवेनियर शॉप में जहाँ पे पाले जाते हैं सांप। नजारा तो खैर काफी अच्छा लग रहा है यहाँ का, फिर दिखाते हैं आपको आगे। सब व्याख्या केंद्र, चलो ये तो चलते पहले समझदार है ये, वो तो भाई याद है। कोई खतरनाक अभी हम तो एक सर्प कैन टाइप का है जहाँ पे मतलब सर्प है, तो खैर पुराने तो नहीं थे लेकिन जो भी काफी देखे हुए थे वो वाले सर्प थे सारे यहाँ पे, देख चुके हैं और भी अभी यहाँ पे है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं आगे। सर्प व्याख्यान केंद्र है, स्नेक इंटरप्रेशन केंद्र जहाँ पे मतलब सांपों की जानकारी है काफ़ी, तो वो आपको पूरा पूरा दिखाते हैं यहाँ पे सारे सांपों की जानकारी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कई सर्प होते जो कि मतलब विषहीन भी होते, जहर नहीं होता लेकिन जाने अनजाने में लोग मारते हैं, तो ये काफ़ी मतलब जानकारी आपके लिए मायने रखती है। ये रहा यहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ का पूरा सीन। आपको दिखा चुके हैं पूरा ये सांपों के रहने की जगह, ऊपर भी शायद कुछ है तो हम आपको वहाँ पे भी लेके चलेंगे। और जो सर्व व्याख्यान केंद्र यहाँ पे सारे सांपों के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, जो अंधविश्वास कई जो भ्रांतियाँ फैली हुई रहती है तो वो भी सारा यहाँ पे बताया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी। और आप वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और आप चलते हैं, ये भी यहाँ पर भी कुछ है। हो चुका है यहाँ पे, हाँ आगे भी है शायद, अभी 4-7 किलोमीटर कहाँ हुआ होगा। सो फाइनली निकल चुके हैं हम यहाँ से बाहर और एरा यहाँ का पूरा सीन, तो यहाँ पे सर्प ध्यान था। अब यहाँ से चलते हैं आपको लेके आगे की ओर। यहाँ पे मिल चुके थे कुछ दोस्त हैं और अभी हम कर रहे हैं साइकिल से ट्रैवलिंग और इन लोगों के बिहार से
और साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन रूल को तोड़। अच्छा अमर, यहाँ साइकिल बोलते इसको, आप क्या बोलते क्या से? अच्छा साइकिल। ए भाई, ये पक्षी व्याख्यान केंद्र इधर। अब चलते आगे आगे। भाई सामने से आ रही ट्रेन। अभी हम पहुंचे हैं सर्फ के बाद दूसरी जगह पे, तितली पार्क में। ये आप देख सकते हो, ये एक मैनुअली तितली, और ये है तितली पार्क। चलते हैं अब हम यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं फिर हम यहाँ का सीन। ये पुराने साइकिल्स वगैरह से, टायरों से, मतलब ये काफ़ी डिजाइन वगैरह बनाए गए हैं। और चलते हैं अब हम यहाँ से आगे तितली पार्क पूरा। भाई यहाँ तो काफ़ी ठंडक है यहाँ पर। क्या मैं मिले थे सर, आप कहाँ से? यहीं से। हाँ, मैं होशंगाबाद से। अच्छा, ये होशंगाबाद से घूमने के लिए आए हैं, और काफ़ी लोग मिल रहे हैं यहाँ पे जो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, सारे लोगों को थैंक यू, और ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहे। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रयास है आपका, वन्य जीवों के प्रति लोगों में आकर्षण पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते भी नहीं है कि है क्या चीज़। सही बात। तो अभी जैसे कि कई सारे सर्प भी देखे हम लोगों ने, अब देख रहे हैं अगर यहाँ पे तितलियाँ मिलती हैं तो वो भी हम आपको कुछ लोगों में दिखाएंगे। और काफ़ी सपोर्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे लोगों को एक बार दिल से थैंक यू। जी लगी यहाँ पे कलाकारी काफ़ी अच्छी है, पुराने चीज़ों से जो कि प्रकृति के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, उनसे उससे यहाँ पे काफ़ी मतलब डिजाइनिंग चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे टायर हो गए, इनसे गमले वगैरह का रूप दिया है। काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का, अच्छा नज़ारा है। अभी हम लोग हैं बिहार में, इसका में, और ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ये जिसे हिरण्य बारहसिंगा कहते हैं, और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इसके अंदर से डमी और कंकाल वगैरह रखे हुए हैं, और खाल वगैरह हैं यहाँ पे। और अब आपको लेके चलते हैं, आप और लेके चलते हैं आपको यहाँ पे सीधा। अच्छा वो रहा ना वहाँ पे, वहाँ पे सही है, यहाँ पे वहाँ भैया नीचे आओ, नीचे वो रहे वहाँ पे, इसको नीचे से सही आएंगे, ऊपर में दूसरा होगा उधर। ये ऐसा लग रहा है, आप तो होटल है यार। खुशबू तो अच्छा रही है। अच्छा ये आखिरी है ना? वो हाथ दिखा रहा है, फिर कर लेता सर। हेलो गाइस, सो अभी हमें यहाँ
वन विहार के आखिरी स्टॉपेज पे, और जो जितनी भी जगह थी वहाँ पे घूम चुके हम, और अब यहाँ से करते हैं ब्लॉग को एंड। और ब्लॉग को एंजॉय कि आप लोगों ने अच्छा लगा, ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि यह ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कोई चीतल गेता हरण की प्रजाति है जो आते हैं वो है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और कुछ अलग से मिलेगा वैसे यहाँ तक जो भी था सर्प विहार और तितली वाला पक्षी पार्क तितली पार्क जो भी थे वो सारे दिखा दिए, और अदरवाइज और कुछ भी दिखता है वो भी आपको बताएंगे, और आगे का जैसा प्लान होगा इन फ्यूचर हम वो भी करते हैं। हो चुका है हमारा रेस्ट, जो थोड़ा बहुत रेस्ट करना था कर लिया, और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस जहाँ से एंट्री की थी वहीं पर एग्जिट भी करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर दिखेगा कुछ आपको नया वहाँ से, तो वो भी नया कुछ दिखाएंगे। इतनी सारी पब्लिक देखिए आप, यहाँ पर कुछ भूख भी लगती है तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है खाने के लिए, खा भी सकते हैं आप कुछ। और बस यहाँ से चलते हैं हम सीधा आगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे का जो भी सीन होगा, और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अभी हम चल रहे थे यहाँ से वापस, और हमें कुछ मिले बारह सिंह का जो पीछे दिख रहे होंगे, ये हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं, और हम यहाँ से चलते हैं और आगे की ओर। वो पीछे दिख रहा होगा आपको बारह सिंह का। चले हम आ चुके हैं फाइनली अपने स्टैंड पर, वाओ 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 वाओ, ये जा है लाल जरा। भाई जहाँ से हमने की थी एंट्री आ चुके हैं फाइनली हम वहाँ पे, और ब्लॉग को करते हैं अब एंड। तेरा आया का पूरा एंट्रेंस का सीन, हमें मिल चुके थे एक और सब्सक्राइबर, तो ये मेरे पास आए काफ़ी अच्छा लगा, और अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ से सीन, और अब हम यहाँ चलते हैं बाहर की ओर। अच्छा ये दोनों लोग साथ में, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग मिले यहाँ पे जान पहचान के, काफ़ी लोगों ने फुल सपोर्ट किया, और काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर भी मिले, तो ऐसे लोगों को दिल से एक बार थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी लाइक किया, तो आप लोग भी लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं अब आपको दिखाने के लिए दूसरी जगह आप लोगों की एंट्री, तो हम भी चलते हैं हम यहाँ से बाहर, और फिर दिखाते हैं आपको आगे का वीडियो। तो सो वन विहार घूम के आए थे वापस, अंतर्राष्ट्रीय वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जहाँ पर प्राचीन सभ्यता से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें भी हैं, और ये यहाँ के एंट्री गेट है, लेकिन कारण क्या है कि काफ़ी मतलब चढ़ाई होने के कारण और काफ़ी मतलब विस्तार से होने के कारण करीब हम लोग मीडियम तक नहीं पहुँच पाएंगे, जब तक पहुँचेंगे बंद हो जाएगा, तो डिसाइड किया है कि यहीं पर करते हैं ब्लॉग को एंड। और कभी जब वापस से यहाँ आना होगा तब आपको दिखाएंगे, और यहाँ से जुड़ी कुछ चीज़ें भी हैं यहीं से, यहाँ का एंट्री गेट है, और जो यहाँ का इंट्रोडक्शन है वो रहा ये। ओके थैंक यू, तो क्या मैं रख सकता हूँ अपने पास? ओके थैंक यू। तो मुझे एक यहाँ के ऑफिस की तरफ से ये बुलाया है, जिसमें यहाँ के बारे में सारी जानकारी है, तो मैं वो जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा अपने ऑफिस में पहुँचने के बाद में, और चलिए मिलते हैं आपको बाद में, तो इसमें जो भी जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलते हैं।